पिछली वीडियो में हमने स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिकस को डिस्कस किया था कुछ टाइप्स रह गई थी वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसका नेम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है स्केयर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज दैट इज मैट्रिक्स ऑफ ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इसका स्टूडेंट क्या मतलब हुआ कि एक स्केयर मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी जिसमें नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम आते हैं मतलब क्या जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर होती है तो एक स्केयर मैट्रिक्स मिट्रिक होगा कब जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आए बराबर आए कैसे अगर एक ए मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज लिया है और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है ट्रांसपोज मतलब नंबर ऑफ सॉरी रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर देना फॉर एक्ज़ाम्पल स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स है एम आप देख सकते हैं ये एक स्केर मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है थ्री रोज़ हैं और तीन ही कॉलम हैं इसका हम मैट्रिक ट्रांसपोज लेते हैं ट्रांसपोज का मतलब क्या इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं तो हम क्या करते हैं इसकी जो रो है उसको कॉलम में चेंज किया वन टू थ्री फिर क्या आती है नेक्स्ट रो टू माइनस वन फोर टू माइनस वन फोर नेक्स्ट वाली क्या है थ्री फोर जीरो थ्री फोर ज़ीरो तो आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स आया है वो दोनों सेम आए हैं तो इसका मतलब क्या कि एम इज मीट्रिक एम का ट्रांसपोज लो तो वो एम मैट्रिक्स के ही इक्वल आता है नेक्स्ट है ई e मैट्रिक्स इसका भी देखिए स्टूडेंट हमने ट्रांसपोज लिया है दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं आए हैं तो इसका मतलब है ई इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉट सिमेट्रिक है ठीक है तो सिमेट्रिक क्या होता है कि एक ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो क्या कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब क्या पढ़ेंगे हम स्टूडेंट स्क्यूसमीट्रिक तो स्क्यू स्मेट्रिक की डेफिनेशन क्या है स्केयर मैट्रिक्स एम इसमेट्रिक एक स्केयर मैट्रिक्स वही जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है वो स्क्यूसमीट्रिक कहलाएगा अगर इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए अगर ए का जो ट्रांसपोज लिया जाए वो क्या आए नेगेटिव ए की इक्वल आए माइनस मैट्रिक्स की इक्वल आए स्टूडेंट अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं आप एग्ज़ाम्पल देखें एक ए मैट्रिक्स है अब ये जो ए मैट्रिक्स है इसका हम क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे हमने इसका ट्रांसपोज लिया ट्रांसपोज क्या कि इसकी रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर दिया करने के बाद आप देखते हैं हम इन में से सब में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस कैसे माइनस जब बायर आएगा तो ज़ीरो तो वैसे ही रहेगा माइनस क्या है अब देखें क्या बन जाएगा प्लस टू क्यों क्योंकि हम माइनस को क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं ठीक है तो ये माइनस थ्री था तो ये पॉजिटिव थ्री और अगर टू पॉजिटिव था तो वो क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा जीरो माइनस वन था वहाँ पे वन आ गया इसी तरह माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो आ गया तो ये एक नेगेटिव माइनस ए के इक्वल आ गया है इसके अब ये तो सारा मैट्रिक्स ए है साथ में क्या हमने माइनस को कॉमन ले लिया है तो स्क्यूसमीट्रिक क्या कहलाता है कि स्क्यू स्मीट्रिक की डेफिनेशन हम क्या पढ़ी थी अभी स्केयर मैट्रिक्स ए इस है टू बी स्क्यूसमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए एक मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स स्क्यूसमेट्रिक कहलाता है अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो माइनस ए की इक्वल आए उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स की इक्वल आए नेक्स्ट जो टाइप है स्टूलियन वो है डाइग्नल मैट्रिक्स अब हम किस पढ़ेंगे डाइग्नल मैट्रिक्स तो डाइग्नल मैट्रिक्स क्या होता है आर स्केयर मैट्रिक्स एम इस कॉल्ड आर डाइग्नल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ़ द ऑफ़ इट्स इल इज नॉट जीरो एंड नॉन डाइगनल इंट्रीज आर जीरो तो क्या कहलाते हैं एक स्केयर मैट्रिक्स ए डाइग्नल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ अगर एट एटलीस्ट कम अज कम एनी वन कोई कुल बी एफ दीज इट्स डाइग्नल उसकी डाइगनल की जो कोई भी एक इंट्री है इस नॉट ज़ीरो ज़ीरो ना हो स्टूडेंट ये वाली जो इंट्रीज़ हैं ये हमारे पास डाइगनल कहलाती हैं ये वाली इंक्रीज़ कौन सी ये वाली इंक्रीज़ क्या कहलाती हैं डाइगनल इंट्रीज़ कहलाती हैं इनमें से कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो हो या फिर सारी ही नॉन जीरो हों लेकिन एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो और दूसरी नॉन डाइगनल इंटरीज़ ये नॉन डाइगनल इंट्रीज़ हैं ये क्या हो ज़ीरो हो तो ऐसा मैट्रिक्स डायग्नल मैट्रिक्स कहलाता है तो हमने क्या पढ़ा एक स्केयर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम आते हैं उसकी अगर डायगनल की इंट्रीज़ कम अज कम एक नॉन ज़ीरो हो और दूसरी इंट्री ज़ीरो हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है डायग्नल मैट्रिक्स कहलाता है अब देख सकते हैं स्टूडेंट ये वाली जो है ए मैट्रिक्स इसकी डाइगनल की इंट्रीज के अलावा दूसरी इंट्री सारी ज़ीरो हैं दूसरे एलिमेंट सारे ज़ीरो हैं तो ये क्या कहलाएगा डाइग्नल मैट्रिक्स कहलाएगा नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि आ मैट्रिक्स आ डाइगनल मैट्रिक्स अब डाइगनल के बारे में हम क्या पढ़ के आए हैं कि जिसकी डाइगनल की इंट्रीज में से कोई एक इंट्री नॉन जीरो होती है और जो दूसरी इंट्रीज हैं वो क्या होती हैं ज़ीरो होती हैं तो डायगनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स एक डायगनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ़ अगर आल दी डायगनल इंट्रीज उसकी तमाम जो डायगनल इंट्रीज़ हैं आर सेम सेम हो जाएं एंड नॉन ज़ीरो और नॉन ज़ीरो हो जाएं तो क्या पढ़ा स्टूडेंट डायगनल के बारे में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगनल की इंट्रीज़ नॉन जीरो होती हैं और दूसरी इंट्रीज जीरो होती हैं अब ये कहता है कि स्केलर जो है वो एक डायगनल मैट्रिक्स ही है लेकिन डायगनल मैट्रिक्स के आगे से एक टाइप है डायगनल मैट्रिक्स स्केलर बन जाएगा कब जब उसकी जो डायगनल की इंट्रीज़ हैं ये वाली इंट्रीज हैं ये सारी क्या हो सेम हो एक ही हो एक ही वाली हो और जो क्या होनी चाहिए वो नॉन ज़ीरो हों ठीक है डायगनल की इंट्रीज नॉन जीरो हों जैसे स्टूडेंट हमारे पास एक ए है ए इज़ इक्वल टू क्या है अब डायगनल की इंट्रीज सारी सेम है टू टू है और दूसरी इंट्रीज क्या है जीरो है बी क्या है थ्री थ्री और दूसरी इंट्रीज क्या है जीरो तो ये जो मैट्रिसेज हैं ये सारे क्या कहलाएंगे स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे नेक्स्ट वाला आप देखिए ये सी भी स्केलर मैट्रिक्स होगा कैसे आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही डायगनल की एंट्री है और वो फाइव है वो कांस्टेंट है तो ये भी क्या कहलाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा इसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी देखिए नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या यूनिट यूनिटी आर डाइगनल मैट्रिक्स इस कॉल आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डाइगनल इंट्रीज आर वन क्या कहते हैं डायग्नल मैट्रिक्स क्या कहलाता है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है इसके दो नेम है स्टूडेंट आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स इफ़ अगर आल डाइगनल इंट्रीज उसकी जो डाइग्नल की इंट्रीज़ है वो क्या होनी चाहिए वन हो जाएँ तो क्या कहलाता है इज़ इक्वल टू हमारे पास सारी डाइगनल इंट्रीज़ क्या है वन है और दूसरी इंट्रीज़ क्या है ज़ीरो है तो ये क्या कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा स्टूडेंट की जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं इनके अब हम इनको एक बार एग्जाम्पल से रिवाइज कर लेते हैं देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है फर्स्ट टाइप पढ़ी उसका क्या नाम पढ़ा हमने नंबर वन पे हमने क्या पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्केयर मैट्रिक्स लें और उसका ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाता है सिमेट्रिक कहलाता है अगर ए है और उसका ट्रांसपोज उसी की इक्वल आ गया है तो ये क्या कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं क्या एग्जांपल है हम कहते हैं सपोज़ हमारे पास एक है एम एम एक, 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 एक मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यूज हैं वन टू थ्री टू माइनस वन फोर थ्री फोर जीरो तो ये एक हमारे पास एम मैट्रिक्स है इसका अब हम क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे एम का ट्रांसपोज लिया मतलब क्या इसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज किया तो ये रो है इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं वन टू थ्री नेक्स्ट वाली रो क्या है टू माइनस वन एंड फोर नेक्स्ट वाली रो को थ्री एंड जीरो तो ये क्या आ गया है इक्वल टू हमारे पास किसके आ गया है एम के आ गया है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है नेक्स्ट वाली जो टाइप आती है स्टूडेंट उसका नेम होता है स्क्यू सिमेट्रिक नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें अगर ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स की नेगेटिव की आ जाए तो वो क्या कहलाता है, स्क्यूस कहलाता है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट हमारे पास पोज करते हैं एक ए मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स हमने स्पोज कर लिया इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे इसका अब हम ट्रांसपोज लेते हैं ज़ीरो टू थ्री माइनस टू ज़ीरो वन माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है अब देख सकते हैं स्टूडेंट इस मैट्रिक्स में और इसमें क्या डिफरेंस है इसकी फर्स्ट एंट्री जीरो है इसकी भी ज़ीरो है इसकी टू है और इसकी माइनस टू है इसकी थ्री है और इसकी माइनस थ्री है तो इसका मतलब है इंट्री तो सेम है लेकिन सिर्फ साइन का फ़र्क आ रहा है तो अगर यहाँ इस सारे मैट्रिक्स में से हम माइनस को क्या कर लें कॉमन ले लें माइनस को बाहर निकाल लें तो क्या आ जाएगा ज़ीरो टू थ्री तो यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई हो गया जीरो वन माइनस थ्री माइनस वन जीरो अब आप देख सकते हैं ये इसी मैट्रिक्स की इक्वल आ, तो आ गया है तो माइनस ए की इक्वल आ गया है तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है एक स्केयर मैट्रिक्स लें उसका ट्रांसपोज लें अगर वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव की इक्वल आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है टाइप क्या पढ़ी स्टूडेंट हमने डाइग्नल मैट्रिक्स क्या पढ़ी थी डाइगनल डाइग्नल मैट्रिक्स क्या कहता है एक ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसकी डाइग्नल की इंट्रीज नॉन जीरो होंगी तो डाइग्नल की इंट्रीज क्या के सोज कर लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है ठीक है इस हमारे पास मैट्रिक्स है और उसकी डाइग्नल की इंट्रीज ये हैं और दूसरी इंट्रीज़ क्या है? दूसरी इंट्रीज क्या है ज़ीरो हैं mm. तो क्या कहलाता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स स्केर मैट्रिक्स ठीक है mm. जिसकी डाइगनल की इंट्रीज एटलीस्ट वन जो है वो नॉन ज़ीरो हो दूसरी ज़ीरो भी हो सकती हैं लेकिन वन जो है वो कम से कम नॉन ज़ीरो हो और दूसरी इंक्रीज़ क्या हों mm. ज़ीरो हो तो वो क्या कहलाता है हमारे पास डाइग्नल मैट्रिक्स कहलाता है डायगनल मैट्रिक्स के बाद आता है हमने क्या पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा डायगनल मैट्रिक्स जिसकी डायगनल की इंट्रीज सेम होती हैं और नॉन जीरो होती हैं डायगनल के बारे में हमने क्या पढ़ा जिसकी डायगनल की कम से कम एक इंट्री नॉन जीरो हो और दूसरी इंट्री जीरो हो ज़रूरी नहीं है सेम हो ठीक है कोई भी एक नॉन ज़ीरो हो लेकिन स्केलर के बारे में क्या मस्त है कि अगर ए जो है वो स्केलर होगा कब जब उसकी डाइग्नल की जो इंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए और जो दूसरी इंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए ज़ीरो होनी चाहिए तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डाइग्नल की इंट्री सेम होती हैं और नॉन ज़ीरो होती हैं वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इसके बाद स्टूडेंट जो लास्ट टाइप हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या पढ़ी हमने आइडेंटिटी नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मतलब वन तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगनल की एंट्री सारी क्या होती हैं वन होती हैं और दूसरी सारी इंट्रीज क्या होती हैं ज़ीरो होती हैं जैसे स्टूडेंट हम कहते हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है इसकी डायगनल की इंट्रीज क्या है वन वन है और जो दूसरी इंट्रीज है वो क्या है ज़ीरो है। तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा ये टाइप सी मैट्रिक्स की नेक्स्ट वीडियो में हम वन पॉइंट टू को सॉल्व करेंगे